फोर इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या है, कुछ एक एक करके देखते हैं। ए ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स जो है यंग वन अपनी तरह प्रोड्यूस करते हैं। नो दिस इज फॉल्स। क्या करते हैं ओविपेरस, एग ले करते हैं। बी ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ईच एंड एवरी स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस ट्रू, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यस दिस ऑप्शन इज ट्रू। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गेमेट। एक जो नया इंडिविजुअल ह्यूमन का बन रहा है वो किससे बन रहा है, गेमेट से बन रहा है। नो दिस इज रॉन्ग। कहां से बन रहा है, गेमेट मेल और फीमेल जब डिफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो जाइगोट बन रहा है। ओके उस जाइगोट से नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, नॉट फ्रॉम द गेमेट। एगलेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एगलेट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक होता है वो क्या है, वो एक सिंगल सेल से बना होता है। यस दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। नो दिस इज फॉल्स। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज अ बाइनरी फिजन। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन चाहिए, नहीं क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के थ्रू या आपका बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, तो इसमें हमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की जरूरत नहीं है। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस बाइनरी फिजन आपको किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में। अजाइगोट इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बनता है। यस दैट इज ट्रू। फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो कॉल्ड अ जाइगोट। एंड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एम्ब्रियो सिंगल सेल का है, नहीं क्यों, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल का है। अब फिर वो फर्दर डेवलप हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके सेल्स, तब एम्ब्रियो बन रहा है। मीन्स एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेलुलर है।